अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल फूड विद फरहा में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बल्ली मलाई की रेसिपी। इसे कई जगहों पे खरवस भी कहा जाता है। गाय या भैंस के चिक से बनती है। ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होती है और मुंह में रखते ही घुल जाती है। ये बाहर लारी वालों के पास बहुत मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रेसिपी। ये मैंने 500 ग्राम भैंस का चिक ले लिया है। ये पहले दिन का ही चिक है। ये देखिए बहुत गाढ़ा है, आप लोग देख सकते हैं। ये मेरे चम्मच में लग रहा है, ये बहुत गाढ़ा है। तो मैंने 500 ग्राम चिक लिया है ना, तो इसी में मैंने 500 ग्राम भैंस का दूध भी ले लिया है। जो हम नॉर्मल सादा जो दूध होता है ना, जो चाय के लिए यूज़ करते हैं, वही दूध मैंने लिया है। तो ये क्योंकि भैंस ये दूध जो चीक है ना वो बहुत गाढ़ा है, इसलिए मैंने इसमें 500 ग्राम दूध ले लिया है। 500 ग्राम चीक है और 500 ग्राम दूध है। अब इसी में मैंने ये हाफ कप शक्कर ऐड की है, हाफ कप, और 2 टेबलस्पून ऊपर से और ऐड की है। तो अब हम शक्कर घुल जाने तक हम इसे अच्छी तरह से हला लेंगे, और इसकी शक्कर घुल जाए वहाँ तक हम इसे हलाते रहेंगे। अब ये देखिए मैंने 5 से 6 इलायची है उसके छिलके निकाल दिए थे और इलायची के दानों को अच्छी तरह से क्रश कर लिया था, आप लोग देख सकते हैं हाथ से। अब ये मेरे पास एक थाल है जिसमें मैं बल्ली जमाती हूँ। मैं ढोकला या खमण भी इसी थाल में जमाती हूँ। तो आप अपने हिसाब से थाली, या आपके पास स्टीमर हो तो स्टीमर वगैरह ले सकते हैं। बल्ली क्या है, स्टीम करके बनती है ना। अब ये देखिए थाल में सारा दूध निकाल लिया है। अब उसी के अंदर हम इलायची का पाउडर ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। आप चाहो तो इलायची की जगह आप वेनिला एसेंस भी यूज़ कर सकते हो। अब ये देखिए मेरा पतीला है, ये पतीला मेरे थाल के हिसाब से ही है, मैं इसी में स्टीम करती हूँ। तो इस तरह हमें पानी अच्छे से गर्म हो जाने देना है। जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो हम इस तरह बल्ली का थाल इसके ऊपर रख देंगे। तो ये थाल मेरे तपेले के एग्जैक्ट बराबर है। मैं खमण या ढोकला बनाती हूँ ना, तो मैं इसी तरह बनाती हूँ। तो अब हम इसे 25 से 30 मिनट तक स्टीम होने के लिए रख देंगे। इसे कम से कम 25 से 30 मिनट लगेंगे, तब तक हमें थाल हटाना नहीं है। तो अब देखिए 30 मिनट हो चुके हैं, तो हमारी जो बली है वो अच्छे से पक चुकी है, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसे चाकू की मदद से चेक कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने अंदर चाकू निकाला, चाकू बिल्कुल क्लीन आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारी बली अच्छे से स्टीम हो चुकी है। तो अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। आप लोग देखेंगे ना तो देखो ये हल रही है, हमें ऐसा लगेगा कि स्टीम नहीं हुई, लेकिन जब ये ठंडी हो जाएगी ना तो ये अच्छे से कड़क हो जाएगी। ये देखिए अभी कैसी हल रही है, ये बाद में अच्छी तरह से ठंडी होगी तो अच्छी तरह से कड़क हो जाएगी। तो पहले हम 1 घंटा रूम टेम्परेचर पर रख के 2 घंटा हम इसे फ्रिज में रेस्ट करने के लिए रखेंगे। ये देखिए 2 घंटे के बाद जो हमारी बली है वो एकदम से देखिए कैसे जम चुकी है, एकदम कड़क हो चुकी है। तो इसे ठंडा जितना ठंडा करके खाएंगे ना इतनी अच्छी लगेगी। तो अब हम इसके पीसेस कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े पीसेस कट कर सकते हो। अगर आपके यहाँ पर ये जो चीक का खीरा नहीं मिले ना, तो आप अपने डेयरी वालों के पास जाके कहोगे ना तो वो लोग आपको मंगा देंगे। ये गाँव में तो अच्छे से मिलता है, लेकिन शहर में जल्दी नहीं मिलता। ये देखिए ये कैसे अच्छे से पीस निकले, आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे अपनी प्लेट में। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत ही मुलायम, मुंह में घुल जाने वाली, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसका एक पीस उठा के देखिए, ये मैंने पीस उठाया, ये देखिए कितना अच्छा, कितना सॉफ्ट बना है, एकदम जूसी, एकदम मुंह में घुल जाने वाला बना है। और ये खाने के लिए तो मतलब सभी को, ये घर में सभी को बहुत पसंद आती है। तो आप इसे एक बार अपने घरों में ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आई होप कि आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स का साथ शेयर कर देना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।